नमस्कार, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल एसोसिएशन। हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बता रहे हैं जिस प्लेटफॉर्म पर प्रगतिशील राजनीति, सामाजिक गतिविधियां, साथ ही सामाजिक विकास की बात करते हैं। और आज हम एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे आपको जो बहुत ही कम समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए समय दिया और अब विधायकी पद की दावेदारी कर रहे हैं। तो आइए ले चलते हैं आपको राजधानी लखनऊ के उत्तरी विधानसभा क्षेत्र से टिकट मांगने वाले के अवस्थी के पास। सर, सबसे पहले आईपा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल, किस बार आप भारतीय जनता पार्टी से विधायकी का टिकट मांग रहे हैं? टिकट देना या ना देना ये तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, लेकिन अगर इस बार टिकट आपको मिलता है तो आप किस तरीके से अपने जो विधानसभा का क्षेत्र है उत्तरी विधानसभा, उसमें किस तरीके से काम करेंगे और जनता कैसे आपको प्यार करेगी कि अगर टिकट मिलता है तो आपको विधायक के रूप में देखें? सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि मैं एक व्यापारी नेता के रूप में भी काम करता हूं। मेरा अपना संगठन भी है जिसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं और 22 साल से निरंतर लोगों के लिए काम करता रहा हूं, निरंतर संघर्ष करता रहा हूं। और कभी भी कोई अगर क्षेत्रीय मुद्दा आता है या कोई भी समस्या आती है, उसका निदान करने के लिए मैं पुरजोर कोशिश करता हूं। और जिस तरीके से आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आप टिकट मांग रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के द्वारा जो कार्य किए गए हैं, वो एक निचले पायदान, जो समाज का सबसे निचला पायदान है, उसके लिए काम विशेष रूप से किए गए हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे ऊपर विश्वास करती है, मैं तो टिकट मांग रहा हूँ। मैं एक तो सिपाही हूँ, सबसे पहले पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ, एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। और हर व्यक्ति को, जो कि संवैधानिक पार्टी है और ये ऐसी पार्टी है जो जात बिरादरी धर्म और परिवारवाद से उठकर काम करती है, तो उसी के तहत मैंने भी अपना एक छोटा सा प्रयास किया है कि भारतीय जनता पार्टी में मैं एज ए प्रत्याशी के रूप में आवेदन करूं। टिकट देना न देना वो पार्टी का अपना आउटलुक है, संगठन है, वो बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि कौन प्रत्याशी के रूप में आएगा, कौन नहीं आएगा। तो ये तो उसका अपना संगठन का मैटर है कि वो हमारे ऊपर विश्वास करेगी कि नहीं करेगी। सर, अभी भी अगर बात की जाए उत्तरी विधानसभा की, तो बीजेपी के ही विधायक हैं। क्या लगता है कि 5 साल पूरे होने वाले हैं बीजेपी सरकार के, विधायक जी ने कितना काम किया है? क्या जनता उनको दोबारा लाना चाहती है या फिर अभी भी तमाम ऐसे मुद्दे होंगे जिस पे चर्चा करने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है? अब उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। जो भी माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के द्वारा जो कार्य किए गए हैं या जो भी योजनाएँ भेजी गई हैं, वो पूरी तरीके से ज़मीन पर हैं। और जिस तरीके से आपने कहा कि कार्य हुए कि नहीं हुए, मैं बता सकता हूं कि वो चाहे एक गरीब व्यक्ति के लिए आवास की बात हो या बिजली से संबंधित बात हो कि गांव-गांव बिजली गई कि नहीं गई, या गैस उज्ज्वला योजना के तहत गैस का वितरण हो, या जो कोरोना के समय में एक बहुत विषम परिस्थिति थी कोरोना के समय में, कि उनको कैसे वो सरवाइव करें, क्योंकि कोरोना के समय में तो सब कुछ बंद था,
लोग बहुत पीड़ित थे, तो उसमें माननीय योगी जी के द्वारा एक गरीब वर्ग जिसको कोई पूछने वाला नहीं था, उसके लिए उन्होंने महीने में 2 बार राशन फ्री देकर उनको घर में ही, ऐसे ऐसे जो संगठन भी थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनके माध्यम से उनके घरों में राशन भेजा गया। उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने दी। 2-2 बार राशन देने के बाद भी अब तो होली तक और बढ़ा दिया गया है, जिसमें तेल और दाल वगैरह भी बढ़ाई गई है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय योगी जी के द्वारा जो भी काम किए जा रहे हैं अभूतपूर्व हैं। एक गरीब व्यक्ति जिसके पास 2.5 लाख रुपए जीवन में कभी इकट्ठा नहीं हो सकता था, दिहाड़ी मजदूर है, उसके पास कहाँ से आएगा? वो तो बेचारा कमाता है और कैसे अपने घर का पालन पोषण करता है। उसके लिए उन्होंने घर भी दे दिया, उसके लिए उन्होंने बिजली भी दे दी, उन्होंने गैस का कनेक्शन दे दिया, उसके लिए उन्होंने जो किसान वर्ग है उनके लिए हर 3rd महीने में 2000 रुपये उनके खाते में आने लगे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, माननीय योगी जी और मोदी जी ने जो भी कार्य किए हैं वो बहुत अच्छे कार्य हैं। कोरोना के समय में जो अभी आपने देखा होगा कि काशी में माननीय योगी जी ने उन लोगों के साथ खाना खाया जिनको कोई पूछता नहीं था। इसके पहले आप कल्पना करिए, ताजमहल भी बना था कभी, तो उन मजदूरों के हाथ कटवा लिए गए थे। लेकिन माननीय योगी जी और मोदी जी ने क्या किया, मतलब ये सोचने वाली बात है, ये कोई राजनीतिक बात नहीं है, ये हमारे बीच में आपके बीच की बात है। उन मजदूरों के साथ जिन्होंने वहाँ पर कार्य किया कोरोना के समय में, जब कोई व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलना चाह रहा था, तब वो पत्थरों को तराश रहे थे, पत्थरों की शिल्पकारी कर रहे थे, और पूरे आप जो काशी को है सुंदरीकरण किया है, उनके साथ माननीय मोदी जी ने खाना खाया है, उनको सम्मान दिया है। तो इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है कि ऐसा देश का नेता जो एक एक व्यक्ति का ध्यान रखता है, सम्मान देना जानते हैं वो, और उसी तरीके से माननीय योगी जी पूरे प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। दंगे खत्म हो गए सर। अभी भी अगर बात की जाए, हम विधानसभा, आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करें जहां आप खुद रहते हैं, तमाम ऐसी सड़कें हैं, तमाम ऐसी नाली हैं, तमाम ऐसी सरकारी स्कूल हैं जो जहां पर व्यवस्थाएं पूरी तरीके से दुरुस्त नहीं हैं, लेकिन जनता चाहती है कि बीजेपी सरकार में ये सारे काम पूरे हों ताकि दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। और आप टिकट के लिए दावेदारी का दावा कर रहे हैं, अगर टिकट मिलता है इस बार तो जो काम पूरे नहीं हो पाए हैं तो उनको किस तरीके से पूरे करेंगे, या अगर आपको टिकट मिलता है, विधायक बनते हैं, उसके बाद जनता के प्रति आपका प्यार और कितना बढ़ेगा कि आने वाली दोबारा जो सरकार बनेगी उसमें भी आप बीजेपी के रूप में जनता आपको देखे। मैं कहना चाहता हूं कि जो भी कार्य हो रहे हैं वो संगठन और सरकार के द्वारा हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हो रहे हैं, इसमें किसी एक व्यक्ति विशेष का कोई योगदान नहीं है। विधायक बनना न बनना वो अलग बात है, जीवन में व्यक्ति को हर वक्त संघर्ष करते रहना चाहिए। अगर आप सामाजिक व्यक्ति हैं, नहीं भी अगर कुछ आप हैं, तब भी आपको अपने स्तर पर जो भी आप कर सकते हैं उसको आपको करना है। और जहां तक आपने कहा कि अगर जो अधूरे कार्य पड़े हैं उनको निरंतर किया जा रहा है, टूटी सड़कें हैं उनकी मरम्मत हो रही है, अक्सर बरसात में, आज नहीं वो बहुत पहले से चला आ रहा है कि जो टूट जाती हैं सड़कें तो उनका कारण एक बरसात का पानी होता है जिसके कारण डामर खराब हो जाता है, तो जगह जगह में छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं, उनका पैचिंग वर्क हो रहा है, उनको मरम्मत की जा रही है और निरंतर इस तरीके से काम चल रहे हैं। अगर पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया, संगठन ने मेरे ऊपर विश्वास किया, तो निश्चित रूप से जो माननीय योगी जी मोदी जी के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो जमीन पर लाने का पूरा प्रयास करूंगा, प्रयास ही नहीं पूरी दम लगा दूंगा। क्योंकि एक विधायक कोई व्यक्तिगत अपने लिए नहीं होता है, विधायक होता है जनता के लिए, जिसको जनता जिता के लाती है उसका प्रथम कर्तव्य है कि जनता के लिए काम करे, उसकी पीड़ा को हरने के लिए विधायक बनता है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं बनता है। उसको उसकी जो जनता की पीड़ा है, कोई भी व्यक्ति हो, बहुत गरीब लोग आते हैं जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है, उसके लिए विधायक बनाया जाता है। संगठन इसलिए आपको विधायक के रूप में प्रस्तुत करती है कि आप उन पीड़ित वर्गों का काम करें
जिनका कोई काम नहीं करने वाला है उसके दर्द को हरने का काम विधायक करता है। अगर मुझे विश्वास पार्टी करती है तो मैं निश्चित रूप से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, पूरा योगदान पार्टी के लिए और जनता के लिए अपना पूरा तन मन धन समर्पित रहेगा।